assalamu alaikum ji welcome back to another episode of kya kahega Ka my guest today was kinjer koso kinjer is a real estate agent she's also a public speaker she's a motivational speaker she's involved in multiple philanthropic uh, projects where we get to speaking about uh, the nuanced conversations around and in the aurat march uh, whether it's beneficial whether it's detrimental to the cause of women to the cause of empowerment, uh, we get to speaking about uh, societal change, how to garner it, about the industry of real estate and how we need more women in it, uh, and overall about the philanthropic nature of karachi and how, if there's something wrong in this society, ultimately we are to blame. enjoy. Three Two one, Kinja Koso. How are you doing, Kinja? I'm good. How are you? Alhamdulillah. I'm, I'm very glad I got that name right. <laughs> <laughs> um what's it uh, we were speaking about your work with uh, the charity. Yeah. Let, let's start there and then we can give an introduction first of it. So so what uh, what's the work and what, what what's it called and then what, what do you work with? Well, we I'm a marketing manager by Thicke. profession, but Thicke. we started uh, this group, Help Us Help Karachi. It's a Facebook group. Last year, when COVID's COVID ki situation the so me and my friends we all started this group, and now Alhamdulillah, we have around I guess twenty nine thousand members or something like that. That's sizable, Mashallah. Yeah, yeah. so we started with Russian drives, and then we 5000 five thousand, six thousand people during COVID's time pe, last year in March, April. We distributed it, and it was all Facebook. लाइक नो पर्सनल हमने स्टार्ट किया था कि यू नो वी डू दिस पर्सनली बट वैन वी मे दिस ग्रूप तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे सो दे जॉइंड इन और उन्होंने हमें डोनेशन भेजी और सब कुछ सो दैट्स हैन वी स्टार्टड दिस ख्वाबों की परवाज इट्स अ प्रोजेक्ट दैट्स ये जो ट्रिब्यूट देता है जो प्लेन क्रैश हुआ था ट्वेंटी सेकेंड में लास्ट ईयर सो मेरे बॉस भी थे उसमें तो oh, so, wow. uh, हम hmm. लोगों ने फिर उनके लिए ट्रिब्यूट किया एंड वी स्टार्ट द स्टिचिंग प्रोजेक्ट स्टिचिंग सेंटर सुल्तानाबाद में okay. so, जो भी वहाँ की औरतें खुतन होती हैं हम उनको स्टिचिंग सिखाते हैं की परवा भी क्योंकि जो प्रवास पर लोग थे उनके ख्वाब अधूरे रह गए थे तो ये उनको इनाम ही होता है सो उधर माशा इट्स बीन आई थिंक नाइन्टी लड़कियाँ हैं जो वहाँ से पास आउट कर चुकी हैं अभी तक अलहमदिल्ला एक साल में जिनको हम स्किल्स बिकॉज आई बिलीव इन रादर देन गिविंग दिन राशन या इस तरह से कुछ देना इस तरह से आदि बनाना आप उन्हें स्किल सिखा दो खुद कमाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं इट्स अ प्रोसेस आल्सो यस सो यू नो इफ दे स्टार्ट अर्निंग तो उनके बच्चे भी देखेंगे कि औरतें भी कमा रही हैं बाप भी कमा रहा है तो यू नो फिर बच्चे भी सीखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ हडरामी बहुत है जी बिल्कुल जी बिल्कुल एंड ऑल्सो यू नो ए काइंड ऑफ डिटर्स देम फ्रॉम असिमुलेटिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स कि नहीं भाई खुतिन को भी काम करना होता है

उनके अपने लिए चलो, else, या आप लोग भी बेहतर नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए बेहतर अपने कपड़े बना लो हाँ? अपना ही खर्चा बच जाएगा बिकॉज आई नो कितना खर्चा होता है, होता है तो यू नो ये सारी चीजें भी बहुत होती हैं फिर उसके बाद वी हैव दिस अपनी रोजी प्रोजेक्ट जहाँ पर हम लोगों को कार्ड्स लगा के देते हैं फ्रूट खेले इस तरह से अंदर ये प्रोजेक्ट्स आते है सो दे रोटरी ने रोटरी क्रीक ने मुझे डोनेट की थी मोबाइल लाइब्रेरी सो मोबाइल लाइब्रेरी इज लाइक एजुकेशन ऑन द व्हील्स बाइक है पीछे पूरा एक बॉक्स है एंड इट ओपनस लाइक दिस

के एक एक महीने की परमिशन देते हैं जब एक्सपायर होने लगती है मैंने छोड़ देती सिर्फ मुझे रिन्यू करके दे देते mm. हैं तो बहुत ज्यादा उन्होंने हम काफी सारी लोकेशन मुझे दी हुई है इट्स नॉट जस्ट वन लोकेशन हिलाल पार्क निशाद पार्क और ये निशार शरीद पार्क सॉरी दो तलवार तीन तलवार मैं जहा जाऊँ उसको ले जा सकती हूँ इवन डी सी साउथ ने भी बहुत हेल्प की थी क्योंकि दो दो और तीन तलवार उनके अंडर राइट 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 तो लेकिन मैं फिलहाल एक ही लोकेशन पे हूँ क्योंकि वहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रन चिल्ड्रेन होता है कि रोज वेट करते हैं हमारा तो दस पंद्रह बच्चे हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं मूवी दिखाते हैं सारा तो ये, ये भी बड़ी ईद आती है तो फिर हम लोग जानवर की जो कुर्बानी ड्राइव होती है गोश बांटते हैं तो इस तरह के हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं यू स्टार्ट वर्क एट एजेंटी Four, I think. Yeah, it's been six years. I started. Yeah, 24. 20, I'm 30, 30 right now. No. I wasn't asking. <laughs> <laughs> so, uh, at 24, how did your. First off, why did you get into work and how did your family react to you getting into work? Because, pe, bhi, jis bhi you are in the social circle, don't If you don't have to, then you know. Then, uh, don't do it. Because. It's... And I, I don't know. I don't... I hope it's not latent misogyny. I really hope it's not that. I just hope it's some misguided form of chivalry. Mm -hmm. Right? I think that... I hope that we. I, I think that'd be better. So, why did you start? Well, I did my VBA from Greenwich. And after okay. that, was, I... I mean, a habit. a routine. So, I... बैठ नहीं सकती सही फारे बिल्कुल भी नहीं okay, मतलब नॉट इवन रमजान अगर no, मैं no. घर में जस्ट गिविंग अगर मैं घर में बैठूंगी मुझे रोज़ा राशन ड्राइव करती थी निकल के सो इसी तरीके से फिर आई ज्वाइन दिस असिस्टेंट टाइम पास की जॉब थी मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि सुबह वहाँ जाऊंगी दिन शाम में मेरा एम हो जाएगा फिर ये स्टार्ट करते करते पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कहा कि नो आई हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर माई करियर नाउ सो आई स्टार्टड माई करियर तो बेसिकली जो करियर स्टार्ट हुआ दैट स्कूल ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कंपनी ओके सो मैंने ट्रेनिंग मतलब जब मैं ऑर्गेनाइज करती थी ट्रेनर्स के लिए ठीक है और जब मैं सेल्स की पिच करती थी तो मुझे वहाँ पर कहा जाता था कि यू स्पीक रियली वेल आपको ट्रेनिंग में आना चाहिए यू शुड बी यू नो अ मोटिवेशनल स्पीकर ठीक है तो एंड आई वाज समवन जिसको स्टेज फ्राइट था मैं स्टेज पे जा ही नहीं सकती दैट्स वेरी नॉर्मल या या सो मतलब स्टेज छोड़े लाइक ये जगह है ना अगर मैं यहां खड़े होके अनाउंसमेंट नहीं कर सकती 10 लोगों के बीच में Th या पांच लोगों के बीच में ठीक है तो so, मैं फ्रीज हो जाती थी सो so, एक दिन जब मुझे ऑफर आई वुमेन्स डे की रिमेंबर वाज 2007 नो no, नॉट 7 2018 मार्च ओके okay. तो मुझे जब ऑफ़र की तो मुझे कहा कि आप आएँ आप जो है ना क्योंकि मैं छोटी मोटी ऐसी वीडियोस बना के पोस्ट करती रहती थी उन्होंने कहा आप आएँ आपको ट्रेनिंग करानी है वुमेंस डे पे इट्स लाइक like, यार मैं और ट्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है तो मैं गई पूरी रात यू you नो know, पढ़ती गई पढ़ती गई मुझे क्या पढ़ना है मुझे क्या करना है नोट्स बनाए सब कुछ किया सही. अच्छा अगले दिन ये हुआ कि चार पाँच लोग ही आए थे इतने ज़्यादा लोग नहीं आए थे सो But it went really good. Alhamdulillah. when when I I spoke, to, you know, I they're they're about, you know, sorry. So okay, That's that's fine, fine. spoke, इट रियली गुड अलहरी चीजें निकली मेरे यू नो जो मैं इर्द गुर्दर्व करती थी क्योंकि आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्व मेरे सामने दो लोग बैठे होते हैं ना तोर्व करती हूँ इज हैप्पी और ही इज नॉट हैप्पी और वो क्या बात कर रहे हैं क्या इनकी लाइफ में चल रहा है सोचती रहती हूँ तो so, जो जो मेरे दिल में आता गया इट रियली गुड जो लोगों के कमेंट्स आते गए कि यू you नो know, आप जब बोल रही हैं तो बड़ा हमें वो होता है मोटिवेशन फील होती है फिर इसी तरह से आई गोर कॉल फ्रॉम खैरपुर उसमें दो सौ लोग थे दो सौ बच्चे नो नो नॉट वे वॉज जस्ट अ कॉन्फ्रेंस

फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग ये बड़ी एक नेचुरल चीज़ है आपको डर लगना चाहिए स्पीकिंग ऑन स्टेज है ना बिकॉज हिस्टोरिकली क्या होता था कि आर एंड सेस्टर्स जहाँ से हमारी फिजिजी uh, uh, की फिजियोलॉजिकल हेरिटेज है देवर ओनली एवर रिक्वायर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड इफ दैट ट्राइब वॉज गोइंग टू ऑस्ट्रोसाइज दैम तो अगर आप चले गए तो मौत हैन कन्विंस दैम टू नॉट ऑस्ट्रोसाइज तो वो वहाँ से आता है um, but then also Khairpur mein jo aapne diya seminar was that in urdu sindhi english what was that it was like? both it was urdu and sindhi urdu and uh, sindhi urdu and sindhi So yeah. was was there a language thing where if you were required to speak in english because your english is brilliant as well alhamdulillah was, was it that koi one language kamzor hai no it's not about the language it's just that मुझे मतलब मुझे नहीं लगता था मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था बिकॉज मैंने कभी प्रेजेंटेश भी नहीं दी यूनिवर्सिटी में मैं क्या करती थी जब से लास्ट रह जाती थी हाँ. जब पूरी क्लास चली जाएगी हाँ. मैं तब प्रेजेंट करूंगी हाँ. और अगर कभी ऐसा हो कि पूरी क्लास बैठी हो तो मैं रट्टा मार के जाती थी हाँ. मुझसे नहीं होता था बट यू नो आई नेवर न्यू दैट मैं कर सकती हूँ right. मैंने कभी कोशिश ही नहीं की जब मुझे स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया ना अच्छा खैरपुर वालों ने ये किया था कि मुझे बुलाया था पता प्रेजेंट करेंगे मुझे उन्होंने नंबर्स नहीं बताए थे कि 200 स्टूडेंट्स होंगे राइट right. तो उन्होंने जब अगले दिन मुझे एक दिन मैंने अटेंड किया उन्होंने कहा कल आपका सेशन है वाज लाइक मुझे आपने ये बात नहीं बताई थी हाँ, कि इतने लोग होंगे इतने लोग होंगे राइट right.

He's a movement almost on, on YouTube and stuff. And then, so I, I often think about why, what resonates about him. Because a million followers on YouTube, it's a lot of people, Yeah. Na, constantly and resonating with him. And then then this is, what you're saying is exactly what uh, the conclusion that I came to is someone like me, when I put myself on YouTube, I'm very antagonistic. Because I say, in contrast, what he does is he tells you a story. Yeah. So what he does is he he bypasses the critical faculty, hmm. so it's not antagonistic. It's very like. Aapko kahani it's bata just so that, that the people will connect. Yes, themselves. the people yeah. connect because it's a story. It's there's no antagonism. I'm telling you something about my life, and I'm telling you a story about yeah. whatever you take from it what you want. So I think there's a real art in connecting with people and um, having them be at ease. Hmm. Aapko you cannot like.

एक उस तरह से बैकग्राउंड से नहीं होता है। I'm, I'm from a like, फैमिली, तो मेरे यहाँ भी इतना नहीं पढ़ती थी या कुछ भी तो वो चेंज होता गया ना मैंने एम बी ए किया मतलब था कि नहीं मुझे करना है करना है अब अब की जनरेशन या लाइक ऐसा होता था कि नहीं बस बीबीए कर लिया ना बस ठीक है एम बी ए करने की जरूरत नहीं है या मैं जो इतनी आउट गोइंग हो गई हूँ लाइक सोशल वर्क और ये सब कुछ ये नहीं होता था फैमिली स्पेशली लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करती थी तो मैंने किया

You said there was a little bit of a struggle for you to do your MBA and then your social work. They, Your family accepts it now, obviously. Yeah, huh? because when uh, you family, you know, she's doing good. Huh? People are saying good about her. Huh? So, you know, in the end, they... So, so how much of that then, I feel, hota hai, with my own sisters or with my own loved ones or everyone, I feel hota hai ki a lot of it is apprehension. Hmm. Lokya kahinge

how much of that do you think is misguided how much of that do you think is कि नहीं थोड़ा कम भी कर लें तो ठीक है ये एप्रिहेन्शन जो डर है खौफ है हमारे घर वालों का how much of that is justified do you think uh, कम भी एज इन काम वगैरह या किस नहीं 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 सो सो जितना जितना डर है उनको जैसे अब आपके भी yeah. बड़े थे अभी जो फैमिली देखिए वी हमें चेंज करना पड़ता है यू हाँ. नो you know, वो एक मेंटालिटी लेकर आ रहे हैं उनकी मेंटालिटी हाँ. अपनी जगह बिल्कुल सही है बिकॉज़ यू नो दे हैव सीन थिंग्स हम ज्यादा देखा है उन्होंने डरते भी हैं बहुत सारे आए ड्राइवल हून मैं कभी <laughs> yeah, नहीं that's... सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ मैंने दो बार ड्राइविंग सीखी थी मुझे नहीं चलाने दी गई तीसरी बार मैं ज़िद पे चलो अब तो आ गई है गाड़ी अब क्या हो सकता है यू नो तो मैंने अपनी सेविंग करके खुद गाड़ी ली अब तो कोई नहीं मना कर सकता तो यू नो इस तरह से जब आप इस तरह की चीज़ें मैंने कंट्रोल लेना शुरू की हाँ अब भी होता है बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं लोग बहुत नेगेटिव भी आपके लिए कहते हैं सो नो आए वर्क विथ रियल स्टेट सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो ये है मेरी जिंदगी की कि यू वर्क रियल एस्टेट या बिकॉज यहाँ की लड़कियाँ नहीं करती काम और अगर करती भी हैं तो उनको गलत कहा जाता है बिकॉज रियल स्टेट इज नॉट गुड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान सो यू नो गर्ल्स हु आर वर्किंग रियल स्टेट वो कहते हैं यार तुम तो अपना करियर खराब कर रही हो आज से तीन साल पहले मैं कहीं पे भी सीवी भेजती थी वो कहते थे किंजन वाई वाई रियल स्टेट तुम तो कहीं पे भी जा सकती हो सो द वर्क आई डू यू नो माय सोशल वर्क माय मोटिवेशनल ट्रेनिंग एंड एवरी थिंग वो मुझे फ्लेक्सीबिलिटी से रियल स्टेट दे सकता है सो so, मैं अपने सारे ड्रीम्स को नहीं चेज कर सकती टाइम लगता है, like है।, one by one. मैं है। एक है। साथ पूरे दस चीजें नहीं हाथ में ले सकती सो no. so, अब मैं रियल स्टेट में थी बिकॉज मुझे एक इनकम तो चाहिए थी का, काम करने right, के लिए right, right, right. और यहाँ पर मुझे अपने पूरे करने थे, तो मेरे इस तरह की बहुत सारी, थी, जो मैं फेस थी में, बहुत सारी बात होती थी वाई रियल स्टेट इधर बहरिया टाउन के साथ काम ना करे ये ना करे वो ना करे लोग क्या कहते हैं मैंने सिर्फ मर्दों के बीच में काम किया है लाइक आई वॉज द ओनली गर्ल जो एक ऐसा वक्त भी आया था छः आठ महीने जो सिर्फ मर्द थे और मैं अकेली लड़की थी पर आई थिंक इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो आप उसको कैसे करते हो मुझे नहीं लगता मेरे आगे कभी कुछ कोई गलत बात कर सकता है एज लॉन्ग एज मैं ना चाहूँ तो अल्लाह रहम करे अल्लाह uh, करे ऐसा ही हो लेकिन बाजों का तो ऐसा नहीं होता है ना क्योंकि

कह मेरे में इस तरह ना होता हो, में होता भी होगा बट mm. मैं यही बी वेरी स्ट्रॉन्ग औरतों का लड़कियों इंशार्था. का स्ट्रगल इज यू नो आपको दुनिया को दुनिया तो छोड़े पहले घर में समझाना पड़ता है चीजों को आप पहले घर में समझाते हो कि नहीं वी आर सेफ हम काम कर सकते हैं हम अपना ये ड्रीम भी यू you नो know, पूरा कर सकते, कर सकते हैं, हैं गया। हम गया। हैं। हर चीज कर सकते हैं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें फिर आप बाहर निकलोगे घर से तो आप दुनिया को समझाओगे ना yes. जब आपका स्ट्रगल वहीं घर में ही खत्म हो जाएगा yeah. तो आप बाहर नहीं समझा सकते तो मुझे भी बहुत टाइम लगा था yeah. ये चीजें करना जब मैं लोगों के घरों में जाके राशन देती थी खुद निकलती थी yeah. बीस, बीस, बीस बीस राशन रखती थी गाड़ी में और चक्कर लगाती थी yeah. तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था कि सब घर में लॉकडाउन में बैठे हैं और ये लड़की ओके बाहर जा रही है सो यू नो उनको ये नहीं दिखता था शायद कि मैं नेक काम कर रही हूँ पर उन्हें ये दिखता था कि ये लड़की होके बाहर जा रही है आप ऐसे सोचो

तुम्ही फैमिली आप सही होगी यार देखो अनफर्टुनेटली बात है ना फिर लोग क्या कहेंगे पे सही हुई है ना लोगों ने कहा है तो उन्होंने माना है हम हम जब लेकिन आपको एक चाहिए तो होता है ना फीडबैक तो चाहिए होता है सही सो 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 देन वी कुड कॉल इट लाइक वी कुड गिव इट अ गुड नेम वी कुड कॉल इट प्रूफ ऑफ कांसेप्ट इट विल बी लाइक यार इट्स इट्स अ प्रूफ ऑफ कांसेप्ट नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं कोई सीन नहीं है बट या आई डोंट नो आई जस्ट लाइक दैट बदर्स मी यार देखो आपको असल में अनकंडीशनल रिगार्ड देनी है अपने बच्चे को hmm. उनका बच्चा आप हो लोग नहीं है राइट सो वही वही है ना कि हमें पेरेंट्स का भी वो हम लोगों ने बीच में शुरू किया था कि जो रिलेशनशिप होना चाहिए बच्चों और पेरेंट्स के बीच oh, में dude, कि yeah. आपको किस तरीके से मैनेज करना yeah, चाहिए yeah. किस तरीके से सारा डील करना चाहिए तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कुछ फैमिली समझती है मेरा वो एफएम एम पर था तो हाँ. एफ so, पे क्वेश्चंस आते थे तो उस टाइम तो तो ऑब्वियसली जिनके भी आते थे मतलब वो तो यही कहते थे कि नहीं आप सही कह रही हैं पेरेंट्स और जो अभी जो गैप है बच्चों के बीच में बिकॉज हम जो मेरी मेरी जनरेशन भी आई थिंक हम भी सही थे हमारे बाद वाले जो है ना वो अचानक से एक बड़ा सा गैप आ गया दिस सोशल मीडिया right. बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मलाइज नहीं होती थी अब नॉर्मलाइज हो गई हैं जैसे से, हाँ? अचानक से लाइक like, मेरा किसी पे मॉर्निंग शो पे जाना बहुत बड़ी बात है पर हम यूट्यूब चैनल पे बैठ के मॉर्निंग शोज कर सकते हैं सो यू नो सुकून से वो बुरा नहीं मनाया जाता बट एक टैबू है कि वो टीवी पे आ रही है बट यूट्यूब आपके फ़ोन पे आ रहा है सो यू नो बहुत इजी है तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कन्फ्यूज़ हैं ख़ुद भी तो यू नो इफ आई एम कमिंग ऑन अ मॉर्निंग शो और सुबह बैठ के पूरा घर बैठ के मुझे टी वी पर देख रहा है तो वो बुरी बात है आपकी बेटी टी वी पर आ रही है बट हम वही मॉर्निंग शो अगर यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं तो दैट्स ओके

There's a certain kind of formality to TV, a certain kind of legitimacy to TV. Is it that? It's just that media is ए, you know, और मीडिया नहीं, है? नहीं है उसमें, <laughs> उसमें <लग> <laughs> so, शुरू से हमने ये सुना नहीं मीडिया में तो नहीं मीडिया के तो लोग खराब होते हैं सो यू नो हमें हमें खुद ही नहीं पता जब हम जब हमने ये चीज एक्सेप्ट हम उसको भी एक्सेप्ट कर उधर भी वही हो रहा है जो उधर हो रहा है सो यू नो चीजें बड़ी होती तो जा रही है नॉर्मलाइज बहुत इजी होती जा रही है लेकिन भी उतनी हो रही है। more and more मैंने इतनी बार बात की है खैर मैं एक और बात कर दूंगा हमारे बाद आई है एक जो वाज फ़र्क मुझे नज़र आता है वो ये है कि वी वी आर सोसर्न सो नॉट इन कॉन्टेशन बट वी mindful at least and hmm. and taught to be mindful of parental messages and societal imperatives yeah. नहीं इसके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है जो लोग क्या कहेंगे इसके बगैर एक्चुअली हमारा गुजारा नहीं है आप यकीन मानो आप जो भी बोल लो कोई कुछ भी बोल ले हम ज्यादातर वो चीज़ें करते हैं जो मतलब हाँ बाबा आप ठीक है अब अच्छा लग रहा हूँ मम्मी अब अब सही है कॉम्पिटिशन भी तो बहुत है ना बट बट कम्पेयर टू दैन जी

बायोलॉजिकल हार्डवेयर बिकॉज़ उनके टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी ज्यादा है ना हमारे टाइम पे भी थी बट मैं नाइन्थ में थी तो मोबाइल आया था ठीक है बट मोबाइल वाज विदाउट कैमरा वो छोटा ग्यारह दस तब आया तब मैंने यूज करना शुरू किया था वाज इन ग्रेड द फर्स्ट मोबाइल आई गॉट वाज एन एक्स सिक्स का क्लाउस पे okay. कैमरा था अच्छा उसमें था मैं 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 वो 1100 वाला जो नहीं है तो हम हाँ। तो तो नोकिया का हाँ। वो यूज किया था तो so फिर उसके बाद सोनी रिक्सन आए ये हाँ। सारा कुछ आया हाँ। फिर अभी बहुत सारी चीजें हैं जैसे तब एमएमएस का टाइम था बहुत सारी <laughs> चीजें का टाइम था यू नो बहुत या। सारी चीजें डिफरेंट थी ऑब्वियसली बहुत चीजें फास्ट होती जा रही हैं हमें नॉलेज इतनी जो अब मिलती है पहले तो हमें

तो मीडिया वाले लोग बहुत अच्छे थे शुरू में राइट बट देन आफ्टर दे स्टार्टेड बिकमिंग बिकॉज़ मोनोपोली तो कहीं पर बुरी होती है तो आफ्टर दे स्टार्टेड मेरी फिर वो जो उनको अच्छा लगता था जो उनसे तमीज से या सलीके से बात, बात करे बाकी समझ समझो वो जो जो है वो उनको प्रेफर करते थे वर्स इज समट तो अब

सो so, मैं पढ़ रही थी ना आई गॉट टू शेयर या सेव करना वो मैं सुबह जब मैं नींद में थी तो यू yeah, नो you know, yeah, yeah. मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो उसकी न्यूज आई हुई थी और नीचे मैंने जो कमेंट्स पढ़े दैट वाज आवर यूथ या मेरी मेरे बाद में मैं यूथ में इतना डिफरेंस नहीं होगा आई एम जस्ट 30 जो 24 25 के जो 22 के बच्चे अभी जो दे रहे हैं Haan. जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे Haan. जो उनको कैंसिल कराने थे मैंने जो उनके मैसेजेस और जो सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक्चुअली दे वर अब्यूजिंग

उस ट्रैवलिंग पे मैंने मेरे मैं साथ कोई दो हो हो गई शायद मैं वो भी लगा दिया या मैं ट्रैवल गई सिर्फ दो कर, दो दिन के लिए ah. किसी काम के लिए कि ah. कुछ भी बट मैं शो ऑफ करूंगी नो आई एम ट्रैवलिंग टू दुबई या यू नो मलेशिया कुछ भी right. इस तरह से करके तो ये कंपटीशन भी बहुत है या देखो उसमें तो मैं जो बिकॉज़ आई आल्सो आई एम अ फोटोग्राफर बाय 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 दैट्स द अदर थिंग द अदर वर्क दैट आई डू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट गोस इन टू इंस्टाग्राम रेडी फोटोग्राफ्स

मेरी मेरे जो नीस नेफ्यू स्कूल जाते हैं तो उनकी टीचर्स पूछती हैं छुट्टियों के बाद आपने कहाँ ट्रैवल किया आई I I yeah. yes, you know? yes. But अब हम नहीं बताते अब जब हमने दुबई स्कर्दू कम से कम अगर आप स्कर्दू बोल दो हंजा बोल दो तो दैट्स फाइन एक्सेप्टेबल है लेकिन उससे ऊपर जाके आपको इंटरनेशनल तो बताना ही बताना यू नो स्कूल में बहुत लाइक right. like, जो स्कूल है uh -huh. jo, you know? huh? उसमें जाके इस तरह की कॉन्वर्सेशन और तो ये हुई है जो मैं उस फैक्ट पे बता रही हूँ जो एक्चुअली मेरे घर में एक्सपीरियंस है yeah, yeah, yeah. तो आई थिंक दैट हाइलाइट्स अ मूव अवे फ्रॉम कल्चरल न्यूअंज़ेस वैसे आपका गांव था आ, मेरा गांव सेवन है लेकिन हम जो है कोई I I I But I Right? That was a unique experience. Yeah. And then similarly, having a gown was a unique experience. And similarly, going to Skardu or Islamabad or Lahore or Paris, whatever, that was also a, a unique experience in and of itself. But now, as children even, we are taught that certain unique experiences are good, preferred. Yeah. Certain other ones, no, they're not even unique experiences. It's a delegitimacy. I think that's a problem.

थोड़ा बहुत बहुत यार एक हद तक तो तो सही था नहीं 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 हम हम अब अब ऐसी भी भी थी कि yeah. कि मैं घर से ही निकल सकती exactly, yes. वो तो obviously वो ख़राब करता है है आपको yeah. ज़्यादा yeah. मुझे लगता है कि, you know, हमें फिर parents को हम पे नजर रखते थे हमसे पूछते थे कि क्या हो रहा है think वो भी एक तक सही था। जितनी हमारी यूथ अभी ड्रग्स और इन चीजों में इन्वॉल्व हो रही है yeah. you know,

आ, आपको मैं बोलूंगा आप मान लोगे बहुत सारे बच्चे नहीं मानेंगे एक डिप्रिशिएशन ऑफ टफनेस हुआ है हुँ. हमारे जो वालदेन थे ना बड़े सख्त मज, मजबूत लोग थे, थे. Yeah. बहुत ऐसे मतलब आ, निभाने वाले लोग, लोग थे, थे. हा, yeah, हा, हा, like, like, हा। अगर सिचुएशन आ गई तो मुंह देना नहीं किसी चीज से नहीं भागना है राइट हम आए सिचुएशंस वर सॉफ्ट टाइम्स वर ईजी

Yeah. We'll yeah. बदतमीजी मतलब करूंगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस सोशल मीडिया में आप देखो जो होते हैं है, हाँ. <laughs> और आप आई रिमेम्बर कोई इस तरह की कोई गाड़ी का लगा हुआ था

द यूथ इन पर्टिकुलर ना ये सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं या जो पॉजिटिव यूसेज हैं इसमें ज़्यादा यूथ भी इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है नहीं कर रही है बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द यूथ और सो इट सीम्स और सो सो एट लीस्ट वी सी कि इज बींग इम्पैक्टेड बाई इट नेगेटिवली एंड अगेन वही वाली बात है ना इट्स इट्स सिंपली जस्ट दिस आई यू यूजिंग द सोशल मीडियाज आर दे यूजिंग यू इट्स इट्स दैट सिंपल ना इफ यू आर यूजिंग दैम then they shouldn't be affecting you like this hmm. but if they're using you to फिर negativity बेक थी आह there was a like a very very famous uh, make-up artist ठीक है जिसके पास मैं गई थी make-up के लिए तो he was telling me मैं नाम disclose नहीं करूँगी तो इसने मुझे कहा था कि की इंजर हमारे हमारे time में ना बड़ा मुश्किल होता था फेमस होना हमारे आते थे शूट्स मैगजीन्स में right कोई कोई पढ़ता था मैगजीम ठीक है लोगों के पास कुछ कुछ लोगों के पास जाता था नहीं लाइक उसने जब बताया तो मैंने सब चीज़ों पे इसको रिलेट किया कि अभी फेमस होना बदनाम होना भी और वैसे भी बहुत आसान हो गया है yes. yes. तो उसने कहा यार हमें पापड़ बेलने पड़ते थे हम जाते थे और ये अभी right, right, हम right. जाते थे 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 हम लोगों को hand, को इन हैंड अपने दिखाते दिखाते मॉडल मेकअप करके अब तो आप घर बैठे हो आपने एक रूम बना लिया मेकअप कर दिया उसको बूस्ट कर दिया उस, उसको प्रमोट कर दिया उसको आपने पैसे लगा लिया दो हजार तीन हजार चीज अप्रिशिएट की जाएगी hmm. उस हिसाब से आप चलो एक एक अच्छा अच्छा आप सही बोल रहे हो एक अच्छी अच्छी फिल्टर लगा दिया कैमरा really right. मतलब, no, मतलब yes. हम, हम दूसरी चीजों पर रिलेट करें तो पहले चीजें मुश्किल एक स्टेप्स होते थे फिर टीचर के पास जाते थे टीचर कहती थी नहीं हम प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करेंगे प्रिंसिपल आपको दो हफ्ते के बाद बताएंगी अ

यू you नो know, sure, yes. बहुत आदत है हम yes. कहते हैं हमारा हाथ हमेशा यही रहे और खुद आके कोई दे के चला जाए राइट right? right. दूसरा ये हाथ हम मेहनत में नहीं यूज करते नहीं। उसने जब ये बोला तो मैंने कहा हाँ ठीक है yes. आप ले लो पूरा ऑर्डर yes. उसको हजार बच रहे हैं दो हजार बच रहे हैं मुझे नहीं पता बट एटलीस्ट वो अर्न कर रही है मेहनत करके yes. अब वो सोशल मीडिया पे लगा रही है या वो उसको कुछ भी कर रही है तो वो उसकी मेहनत है तो अब मैं जब अब मैं उसको जब प्रमोट कर रही हूँ कि मैंने इससे ऑर्डर किया है इतने में ये मुझे बॉक्स मिला है इफतार का तो वो भी उसकी मेहनत है जो मैं दुनिया को दिखा रही हूँ है तो ये पूरा एक प्रोसेस है तो ये सीधा प्रोसेस है और ये औरतों के लिए बिल्कुल सही है जो अभी की जितनी भी है जैसे मैं स्टिचिंग का कह रही हूँ जो काम जो एक्चुअली कमाना चाहती है अपने घर के लिए जो बाहर नहीं निकल सकती इसी तरह से वही है कि जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट है वहाँ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए you know, हाँ। इतना ज्यादा कोई मुश्किल से नहीं आना पड़ा पर ये भी एक पॉजिटिव है ना एक मैसेज जाएगा लोगों को right. हम लोग क्या बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी भी हम दे रहे हैं श्योर यू नो ऐसा yes, yes. भी है कि ये भी फायदे भी बहुत ज्यादा है mm -hmm. mm I suppose it is not not easier. It's not easier. But the process is more clear cut for these people at least. You need X amount of followers. Yeah. Just you can productivize your work. Uh, if you give Kinja your uh, your uh, whatever. If, she, if, she, if Kinja is a client, then Kinja will tell her people. And then they will become your clients. And so yeah. that's how your business will then... Uh, grow and all you have to do is work hard and just be honest with your well, whatever with your, with your work I, and I think that's I think that's definitely hopeful or hopeful it's a good message I think um, but going back to your motivational speaking uh and your woman empowerment uh stuff did you where where did you start that and how do you see it going? We've, we've touched upon it, in in this conversation, but how do you see it going? Are, are men or people generally, even Khawateen, are they open to the narratives of women empowerment? Because Abhita Mirajisa Mary Merzi could romanticize. Um do you think it's working? Do you think the conversation is well फॉर मी फेमनिज्म मैं ये नहीं कहती मेरा मर्ज से मुकाबला है ही नहीं ठीक नहीं है नहीं. जो भी था मेरा मेरी मर्जी चीजों में मैं जाना ही नहीं चाहती बिकॉज फॉर मी दिस इज रॉन्ग ठीक है हर किसी का अपना ओपिनियन है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा क्या है और किसकी मर्जी है हाँ. I, मेरा है मुझे पता है yes. you know? yes, और yeah. मैं मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं दुनिया को चीख चीख के बताऊँ सो फेमनिज्म इज बेसिकली मेरी नजर में आ, जो कुछ भी अभी है जो भी, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी ये बात करती हूँ काम से लोगों को मनवाना है वो आज दुनिया में इसलिए उसको जरूरत नहीं थी कि वो जाके औरत मार्च कर और बोले कि नो मैं ये हूँ मैं औरत हूँ उसने अपनी मेहनत की वो पायलट बनी वो पोजिशन पे सही। उसकी इज्जत है ठीक है मेरा मर्द से मुकाबला तब हो जब मैं उसको समझ ही नहीं रही मुकाबले के लिए तो मैं तब मुकाबला करूँ ना और मुकाबला बहुत सारी चीज़ों में है इफ़ यू से, से मुकाबला तो फिर हमें बसेस में सीट्स नहीं मांगनी चाहिए हम भी खड़े हों जैसे मर्द खड़े होते हैं ओके okay. हमें right. भी उस तरह की चीज़ें फिर हमें जब ओवर टाइम होता है बैंक्स में तो हम लड़कियों को घर पे भेज देते हैं तो हम लड़कियों को घर पे नहीं जाना चाहिए वो भी मर्दों के साथ रात के नौ बजे तक बैठें

उनकी बात ठीक है वो उस लिहाज से कहते हैं जिस लिहाज से यू नो रेप के केसेस बढ़ गए हैं या ये सारी चीज़ें हो गई हैं पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गलत कंपेयर किया जाता है मर्दों के साथ रैट. जो हम कहते हैं कि हम हम मर्दों देखिए एक एक तरीक़ेकार है अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहे हो तो उनकी भी शादियाँ होती हैं हम लोगों का इस्लाम भी है हाँ, हमारा एक रिलीजन भी है राइट हाँ, हाँ, right? अगर हम आपको आपको उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो मुसलमान नहीं है नहीं। ठीक है नहीं, उनका रिलीजन इस्लाम नहीं, नहीं है नहीं, नहीं, हमारे यहाँ कल्चर ऊपर हो गया है इस्लाम नीचे चला गया है यस 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 श्योर हम येस, लोगों में ये चीजें अब जो चीजें हमें अल्लाह तला ने फरमाई है बताई गई है कि आपको किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है तो उसमें तो सब कुछ है औरतों की पूरी अथॉरिटी है है तो सही है तो सही लेकिन है तो सही लेकिन, तो सही, लेकिन फिर वही वाली बात है जो मैंने पहले बोला ना कि अगर मर्द रिलीजियोसिटी को मोनोपलाइज कर लेगा और नहीं देगा औरतों को वो अथॉरिटी तो औरतों को लेने की जरूरत की अथॉरिटी मांगेंगे तब क्योंकि आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो आप उसको समझ रहे हो क्या मुझे अथॉरिटी दो को मर्द को नहीं तो वो तशद करते हैं ना यार तशद करते हैं उसके तरीके कार है बहुत सारे तरीके कार हैं आप वही वाली yeah. बात है आप आप इसको सोशल मीडिया को यूज करो yeah. लगाओ उसकी वीडियो आप ले जाओ उसको पुलिस में आप hmm. दुनिया को चीख चीख के क्यों बता रहे हो आप उसको बताओ कि आप मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ I'll होता है yeah. तो मैं उस बंदे के साथ लड़ूंगी ना मैं पूरी दुनिया को थोड़ी बताऊंगी मेरा जिसम है यू नो सो सो देयर आर्गुमेंट अगेन देखो आई एम नॉट ऑन ईदर साइड

कम है लेकिन हमारे चीखने से नहीं हो सकती ना चीजें चीजेट करें, educate करें। ये तो नहीं है ना कि आप इतना वल्गर तरीके से आप लेके जा रहे हैं और आप दुनिया को बता रहे हैं, मतलब हैं। चलो yes, on... मैं उनको नहीं कह रही नहीं, नहीं। अब जैसे जमात इस्लामी का था हा। कि मैं आपके साथ खाना पका लूंगी यू नो ये प्ले कार्ड भी थे आओ मिलके खाना पकाते अब वहीं पे ये प्ले कार्ड भी थे ठीक है मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कुछ ऐसे प्ले कार्ड थे हाँ। जिनमें थी कुछ ऐसी बहुत सारी थी बहुत सारी चीजें जो ही मतलब तो एक औरत को हमेशा एक इज्जत दी हुई है तो आप लोग अगर वही इज्जत जाके दुनिया में उछालेंगे तो कौन कैसे इज्जत करेगा कोई आप ये बात सही बोल रहे हो इस पे प्रॉब्लम वही है ना की

जो दूसरे प्ले कार्ड थे वो तो इग्नोर कर दिए गए आई एम श्योर इस वीडियो के बाद अगर ये वीडियो हमारी जो आउट होती है मेरे लिए भी, भी बातें आएंगी कि ओ माय गॉड ये तो सपोर्ट नहीं करी आई सो वीडियो ऑफ दिस एक्ट्रेस मुझे नाम मैं सॉरी really हमें उसने बहुत अच्छी बात की थी कि हमारा तो मुकाबला ही नहीं मर्दों के साथ हम yeah. तो मर्दों के आगे हमारा तो एक अलग अपनी आप यकीन करें उसकी इतनी अच्छी बातें थी उस पर भी औरतों ने गालियाँ दी हुई <laughs> मर्द की तो बात बाद में करें हम खुद औरतों के साथ ही सही नहीं है नहीं तू उसमें प्रॉब्लम इज के ऑबियसली The female experience is very diverse, ना जो जो, गाली जो, दे रही हैं जो play cards लेके खड़ी हुई हैं ना हा? मुझे नहीं लगता उनके साथ गलत होता होगा जो आ? वो होती हैं जो चुप हो जाती हैं जितने हम वेस्टर्न लोग हैं मैं एक जो सेल्फ डिफेंस की थी उसने मुझे कहा था कि जितने वेस्टर्न है ना हम जींस पहनने वाले हमसे मर्द डरते हैं इनको लगता है ये चीहेगी थप्पड़ भी मार सकती है जो बेचारी अबाए में डरी सहमी होती है ना उन्हीं के साथ गलत करते हैं उसने मुझे एक बताया था कि मैं क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है तो वो कहती है

उनके साथ कुछ ज्यादा खतरनाक हुआ हो तभी वो ज़्यादा yeah, हो हो रही सकता है, राइट? बट के, uh, yeah. yeah, <coughs> के, के बाहर बैठो आप right. जाके उन्हें बोलो कि कुछ इस तरह का केस हो hmm. हमें ये चाहिए hmm. आप अपनी पॉलिसी hmm. बनाओ मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है गलत हाँ। होता है मैं एक औरत हूँ हाँ। मैं एक लड़की हूँ मेरे साथ भी गलत हुआ है यू नो बहुत सारी चीजें आपके साथ गलत होती हाँ। है डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं बहुत सारी चीजें बहुत कुछ हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है हम नहीं सोच सकते और मुझे नहीं पता मुझसे आगे अल्लाह जानते हैं लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा लेकिन उसका तरीकेकार मैं कहती हूँ कि ये है कि आप जाए आप पॉलिसीज बनवाएं कंपनी में मैं एक औरत हूँ मैं अपनी कंपनी में बैठी हूँ मैं क्या कर रही हूँ यू नो बीइंग अ गर्ल मैंने क्या औरत को फायदा दिया है I think that's, that's a, that's a मैंने thought, क्या बनाई है आई थिंक कोई बैंक है इट्स फर्स्ट बैंक और बैंक जिसकी प्रेसिडेंट खातून है उन्होंने औरतों के लिए डाली है मैं भूल रही हूँ ये मुझे चार पांच दिन पहले किसी ने बात मैं एक लड़की होके एक औरत मैंने क्या फायदा दिया है Wonderful, right? So, my, but my thing again would be, would you not? Would you not accept that the Aurat March, being what it is now, is contributing to the acceptability of these bills? Because before this, to shuru na उसमें थोड़ी वो ज्यादा गालियां दे दी उन्होंने थोड़ी हाँ, ज्यादा मैं तो उनके वल्गर बने मैंने, मैंने जमात इस्लामी का जब देखा मतलब आई वाज वेरी इंप्रेस्ड उनके जो प्ले कार्ड्स थे औरतें जिस तरह से ड्रेस अप थी मतलब वाज अमेजिंग yeah. इस दफा का औरत मार्च था मतलब मैं लड़की होके मुझे शर्म आ गई कि आपने कमीज रस्सी पे लटकाई हुई है शलवार रस्सी पे लटकाई है और आप नीचे डांस कर रहे हो

हम उसको नहीं राइट नहीं, कर सकते नहीं, 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 नहीं। जब मैं गंदी हूँ गंदगी दूसरा भी कर रहा है तो हम चीजों को सही नहीं कर सकते चलो है ही गंदे हाँ। उनका तो है ही गंदा समस्या हाँ। तो उनका तो है ही गंदा ठीक हाँ। है हर चीज के काम गंदे है हाँ। लेकिन हम भी तो एक गंदा ही मैसेज दे रहे हैं ना हम कोई अच्छा मैसेज तो औरतों को नहीं दे रहे हम भी हम भी क्या दे रहे हैं हम कोई पॉजिटिव तो नहीं दे रहे ना हम हाँ रहते हो कनाडा अमेरिका मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ mm -hmm. मतलब पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री बहुत सारी दुनिया में वीडियोस ये चली हैं देखा गया है हम कौन सा कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं यार नहीं हाँ, अच्छा चलो देखो आई विल से दिस आई विल से अगर I'll... मुझे लगता है कि इधर मुझे पर्सनल लगता है मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ इसको आई थिंक बहुत ईजी करने के लिए कि मैं मेरे दस फ्रेंड्स

वुमेन एम्पावरमेंट नरेटिव देर इज़ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होता है होल सेल हमने लैंग्वेज वहाँ से इम्पोर्ट किया मैं समझ रहा हूँ वो बात को बट मोर देन एनीथिंग एल्स द मार्च इज टू शो सॉलिडेरिटी राइट कि यार हम सब एक दूसरे के साथ हैं यू नो आप अकेले नहीं तकलीफ़ में हो और आप अकेले तो हो ही नहीं किसी भी और आप गलत भी नहीं हो बिकॉज जो भी औरतें आती हैं यहाँ पे और मार्च पे देर नॉट जस्ट फ्राम आर्ट सोशल क्लास द्राम एवरी सोशल क्लास एवरी सोशल रंग बहुत सारे अलग अलग मसाइल हैं अब जाहिर है उसमें ज़्यादा आवाज़ उनकी उठती है जो ज़्यादा प्रिवलिज हैं जो ज़्यादा आर्टिकुलेट हैं और वो बाजों का थोड़े ज़्यादा वेस्टर्न नोयत रखते हैं तभी वो हमें नज़र आता है बट रियली आई वु थिंक ऑन द होल दर्थ मार्च हैज़ बिन क्विट पॉजिटिव आई थिंक

क्योंकि हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं sure, so, you know, sure. अगर हम इस तरीके से औरतों के हकूक मांगेंगे तो जिन्होंने देने भी होंगे वो भी नहीं देंगे अपनी बच्चियों को so, right, you know, क्योंकि right, 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 right. हमारे में गैप है हम वेस्टर्न जो हम लोग हैं हमारी जो सोशल क्लास है हम लोग जा रहे हैं औरत मार्च में ठीक है mm -hmm. जो बेचारी जो है जो अब uh -huh. पर्दे करने वाली या जिनके घर में इजाजत नहीं मिलती डू यू रियली थिंक कि वो ये औरत मार्च देख के उनको इजाजत देंगे अगर हम वही अगर हम यही सिखा रहे की आप अपने माँ बाप से इजाजत ही ना लो तो हम तो गलत सिखा रहे

बात करो आप बोलो वो तो बातें हो रही है वो आप, तो आप होती है आपने ये हाँ। करना है कि देखो आप बहुत बड़ी बातें हैं जो मैं कर रही हूँ no, no. लेकिन जितना हम टाइम खर्चा मेहनत इस चीज में लगा रहे हैं जहाँ जहाँ लड़की है हमें पता होता है ना घर में गवर्नमेंट को तो sure. आप उनको एजुकेशन दो उनपे उन पे बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि मैंडेटरी कर दो कि आपने इंटर तो करवाना ही करवाना है आप इसके लिए जाओ आप इसके लिए मेहनत करो कि जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और वो लोग काम उनके जो ऑर्गेनाइजर्स है ना और कर, हाँ कर रहे हैं राइट right? मे, मेरा जो uh, सिर्फ जहां पे वेयर आई सपोज आई एम नॉट विद विद यू बट आई आई डू एग्री देम इज कि कभी कभी ना लोगों को जगाना पड़ता है हम सब सो रहे थे औरत के इश्यूज पे ना ये सारे मसले तो हो रहे थे ना आई सपोज द पावर ऑफ द दर्थ मार्च इज सिंपली कि भाई उठो ना क्या कर रहे हो Hmm. क्यों सो रहे हो अभी हाँ, वो तो सही हाँ, है हाँ. मैं देन अगेन वही बात कर रही हूँ हाँ. कि बहुत सारे ऐसे थे औरतें जिनके प्ले कार्ड पढ़ के सब कुछ करके एक्चुअली मुझे प्राउड भी फील हो रहा right, था बट वहीं पे अगर ये चीजें हो रही थी तो वो नजर नहीं आया आप मुझे बता दें आपने कौन से प्ले कार्ड देखे हैं जो आप मुझे फाइव परसेंट का रेशियो बता रहे हाँ। सबने हमने 5 ही तो देखा है। मीडिया वही दिखा रहा है ना अब क्या करोगे आप राइट right? हम इंस्टाग्राम पे उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता क्या है राइट बिकॉज ऑल दी अदर पीपल तो यही हाँ। है ना आपका नेगेटिव ही तो सारा कुछ जा रहा है हाँ।

स्किल और फिर उसके बाद जब मुझे उसकी स्टोरी पता चली उसने कहा मेरे फादर नहीं है मेरे मामु मुझे पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि हम मामुओं के साथ रहते हैं सो और मुझे पायलट बनना है आपको वन डे पायलट बनना पड़ता है और आप चलाते हो सेसना प्लेन तो so मैं उसको लेके गई और मैंने जब उसकी फैमिली से इजाजत ली वो खुश हो गए सो यू नो व्हेन यू फॉलो द राइट पाथ तो एक तरीके अब देखिए हाँ, मुश्किल तो आती है ना अब रास्ता है मैं या तो किसी से छीन लू ठीक है और खा लू या मैं एक रास्ते में जाऊं उसको बोलूं कि आप देखो ये चीज मेरी थी आप मुझे दे दो एक हुँ. रास्ता है मैं पुलिस को ले आऊं मैं इसको ले आऊं मैं इसको बोलूं ये मेरा है मुझे दे दो हां सो यू नो आप आपका है लेकिन आप चोरी नहीं कर सकते गलत है ना चोरी करना हुँ. पर हम ये सिखा रहे हैं कि आप चोरी करो आप छीन लो आप छीन लो।, आप लो आपको नहीं मिल रहा आप छीन लो तो सो आई एम टर्न राइट

इतनी एनर्जी होती है इतना इतना वो होता है गुस्सा होता है या रिलीज़ होता है जो भी आप उसको बोलो वहाँ पे इतनी नोज कॉन्वर्जेशन जाहिर नहीं हो सकती है राइट कोई वाली बात इनकंप्लीट एक चीज है तो जब मुझे ही मैसेज मिल रहा है ah. तो औरों को क्या मैसेज मिलेगा राइट हां सो देन द मीडियम मे बी ना इट्स यू टू इज टेलिंग मी कि डिटेल में कि नहीं वो ये चाहते हैं कि ah. क्या आपकी कन्वर्सेशंस हो चुकी हैं हां ah. यू नो बट अगर मेरे सामने सिर्फ प्ले कार्ड्स चल रहे होंगे और मैं लड़कियों को वहां पर डांस करते हुए देखूंगी और मैं बोलूंगी आज़ादी आजादी आजादी तो uh. मैं क्या पोर्ट्रे करूंगी uh, आप एटलीस्ट एटलीस्ट आई डोंट वांट टू एसोसिएट विद दैट दैट यू नो मैं यही पोर्ट्रे करूंगी yeah. ना कि यार वहाँ उनको शायद चाहिए कि हम डांस करना सब कुछ सही है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम करते हैं बट हम उसको खुल के नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें इवन मर्दों में भी

हाँ नमाज पढ़ती हूँ कुरान पढ़ती हूँ रोजे हाँ, रखती हूँ हाँ, मैं शायद गलत भी करती हूँ मैं बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं फॉलो नहीं करती बट देन अगेन मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि यार बस मैंने सब कुछ ना, छोड़ दो सबको छोड़ दूं क्योंकि ये नहीं है नहीं और एंड व्हेन आई सेड पर्दा ना आई आई वाज स्पीकिंग अबाउट इट कोलोकली दैट पर्दा जो एक पेरेंट्स के और बच्चों सो लाइक माय माय फ्रेंड्स राइट दे माय एज अ लिटिल ओल्डर सबको पता है in front of the नहीं आप अपना हक मांग रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने जो है बच्ची को पढ़ाना है मैं बिल्कुल इस चीज को अग्री करती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो माँ बाप लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं आपने ये ऐसे अगर आपको आपके पेरेंट्स मना करें आप दरवाजा मार के चली जाओ क्योंकि आपका हक है आपने निकलना है दिस इज रॉंग वी आर टीचिंग देम रॉंग यू नो ये तो वही वाली बात हो गई कि वो जो बच्चे उनको गालियां दे रहे हैं uh. तो फिर तो वो भी सही है सही कर रहे हैं हां uh. तो तो सही है उसको uh. गालियां देने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए राइट 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 टू सम डिग्री तो फिर ये तो वही सारी बात है तो इट्स हमारा मसला सिर्फ ये कि हम वो ही देखते हैं जो हमें सही लगता है और हम कहते हैं ये सही है uh -huh. क्योंकि हमें ये करना है यू uh नो -huh. you know? sure, 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 sure. तो ये मेरे दिमाग में ये चीज है Sorry. मतलब मेरा सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू है शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रही जस्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हाँ लड़की को पूरे हकूक मिलने चाहिए उसको पढ़ना चाहिए उसको जॉब भी करना चाहिए उसका जो करियर है उसको वो चाहिए उसको वही होना चाहिए जो एक मर्द और एक बेटा को होता हाँ, है बेटी के साथ भी वही होना चाहिए मैं मैं बिल्कुल उस पर अगर मैं उड़ा के बोल रही हूँ कि भाई हक दो हाँ? तो कहाँ से उसके माँ बाप हक देंगे वो बोलेंगे कल को ये भी दुबट्टा मेरे सामने उड़ा के बोलेगी क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पठान फैमिलीज भी हमारे यहाँ बलोच फैमिलीज भी उनके अपने कल्चर है राइट ठीक है राइट राजस्थानी भी हमारे हैं जो अभी तक घूंघट करते हैं इफ यू डोंट नो आई नो पीपल जो uh -huh. अभी तक घूंघट करके अपने देवर के सामने बात करते हैं अब ये are... उनका कल्चर है sure. अगर मैं उन्हें बोलूं कि आप घूंघट उड़ा के uh -huh. अपने देवर के आगे खड़े हो जाओ और आप बोलो भाई क्यों मैं घूंघट करूं दिस इज रॉन्ग सो देखो ना अब पीपल पीपल आर्ग्यू कि दीस कल्चर्स आर बैकवर्ड Right, these are है, अब वो उनकी तो है. लेकिन एक सिंधी सिंधी को बोले समझ में आता है पठान उठ के सिंधी को बोलेगा तुम्हारा क्या कहासीव कॉन्वर्जेशन जस्ट दैट ठीक है स्टेग विद इन योर कल्चर स्टिल गिव योर सन एज मच एज मैनी राइट्स और वट एवर एज योर डॉटर दट्स

That's not the reality. The reality is, scientifically speaking, women have men have greater bone density, greater musculature, greater strength, on average. I'm not saying that compare Serena Williams. She's a pro athlete, right? But if you compare Serena Williams with a man of her caliber, On average, that's just how it is. So, the, the female uh, sex is at least weaker physically. At least yeah. in that particular... पैराडाइम नॉट पेन टॉलरेंस नॉट एनीथिंग लाइक बट एटलीस्ट इन तो जो भी फिजिकल नोयत का काम है वो फिर मर्द का फर्ज है कि ज़्यादा करे और औरत का वो करें ठीक है लेकिन ये, ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ये है लेकिन yeah. आप आगे मुझसे पूछो या किसी से भी पूछो uh -huh. तो हम जब बस में खड़े होते हैं तो हम औरत को औरत की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं कि uh -huh. बैठो जाहिर है जाहिर इट्स नॉट दैट के यू नो कि यही जो फिजिकल और इस uh -huh. तरह से ये तो सोच नहीं, ये, like, ये तो बैक वो है ना फाइन प्रिंट पहला है. तो ये होता है ना कि औरत है इसको uh -huh. रिस्पेक्ट देनी चाहिए बैठो ऑफ कोर्स देयर शुड बी डिफरेंस तो एंड अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इक्वालिटी की जगह अगर हम इक्विटी पे जाएं हां एंड इक्विटी इज all of us are given the same uh, same rights but according to our individual uh, ability yeah. so, if, if i'm taller than you right and we both have to look over a wall hmm. right i don't need a ladder but you do yeah so equity would be equality would be i have greater ability now because i'm yeah. taller Equity would be you are given a ladder by app or problem so equity I suppose is what we we should go for obviously yeah um so so the other thing see, see the other thing I was saying then was uh, and I suppose this is a, a good place to uh, finish up this conversation conversations like this these are difficult conversations have you ever had these with uh, people in your line of work and yeah. and, and how, how do they do they how do they respond are they open to it नहीं यू नो समाइक दिस फेमिनिज्म वाला कि नहीं ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सही कर रहे हैं इस तरह कुछ कुछ अग्री करते हैं तो मेरा पॉइंट होता है बट देन अगेन आई से दिस दैट आई रिस्पेक्ट बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट हम किसी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोप नहीं सकते नहीं। यू नो सो अगर आप कर रहे हो मेरी नज़र में अगर मैं औरत मार्च में जाती नहीं हूँ पर मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मैं अगर सोसाइटी को चेंज कर रही हूँ सो आई स्टार्ट विद माई ओन डॉटर

और मुझे फ़र्क लाना है इससे कि मैं पोवर्टी कैसे कम करती हूँ मैं चेंज कैसे लेकर आती हूँ मेरी ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होता है यू right. नो you know, लोग डिप्रेशन में क्यों हैं मेरी बहन अगर मेरे आई डोंट हैव अ सिस्टर बट अगर मेरी कोई बहन होती yeah. तो मैं अगर उस पर स्ट्रिक्टनेस होती उस पर रिस्ट्रिक्शन होती तो मैं उसके लिए घर में आवाज़ उठाती जब मैं उसमें आवाज़ उठाऊंगी तो मैं अपनी बेटी के लिए उठाऊंगी जब मैं अपनी बेटी के लिए आवाज उठाऊंगी दैट्स अ साइकिल यू नो मेरी बहन मेरी दोस्तों को बताएगी अपने दोस्तों को बताएगी मैं अपनी दोस्तों को चेंज करूंगी श्योर sure. वो अपने दोस्तों को चेंज करेंगे वो अपने पेरेंट्स को जाके चेंज करेंगे सो इट्स अ साइकिल राइट समवन टोल्ड मी दिस के एक uh, रेडी वाला था हम्म uh -huh. उसका बच्चा बहुत जबरदस्त पढ़ता था पर उसके पास पैसे नहीं थे Sorry. तो उसने उसको बंदे ने फ्रूट ख़रीदने आया एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी तो उसने कहा कि उसने कहा साहब मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है मैं तो ये कमा के जो है ना ये उसकी फ़ीस पे करता हूँ तो उसने उसको पैसे दे दिए आई में गया या पता नहीं किस में गया जो कुछ उसकी फ़ीस वो पूरे चार साल तक भरता रहा फिर वो एक पोस्ट पर आया उसकी जॉब हो गई सब कुछ हो गया वो उस बंदे के पास आया जो चार साल से उसकी फ़ीस भर रहा था तो उसको बोला आपको क्या चाहिए उसने कहा मुझे ये चाहिए कि तुम जो मेरे लिए गिफ्ट लाओ या मेरे लिए कुछ करो ना मेरी तरह तुम आगे किसी की फीस भरना चार साल अब जब वो मैसेज आगे देगा तो वो आगे मैसेज देगा वो आगे मैसेज देगा तो यू नो डॉट्स डॉट्स की हम गेम्स खेलते थे कनेक्ट द डॉट्स तो यू नो वो इस तरह से तो मैं मेरी नजर में अगर मैं कुछ करूँगी मैं अपने ऑफिस में पॉलिसीज बनाऊंगी रियल स्टेट की मैं रिसेंटली uh, मेरा

shouldn't it doesn't it readily make sense some of the best real estate agents abroad uh, lived in canada for a bit were women yeah. because women are comfortable talking to other women mm -hmm. even men are comfortable talking and to women and women are the decision makers sure. you know yeah. ghar lene ke to me mera hamesha unka last message ye tha that औरतें लड़कियां आए इस industry को और change करें टैबू खत्म करें yeah, कि yeah. नहीं रियल स्टेट इंडस्ट्री में कोई अच्छे घर की लड़की नहीं आ सकती

where we commented on uh, in hua hai Allah Kare, uh, Mani ki uh mani ki Jo, jo, yeah. uh, jo Gharke and there were Dono taraf se motorcycle below guy they tried to steal something from them. Mm. And we were talking about how it's become more rampant and I said it's because of poverty. And you you said no no it's not poverty to and there's another thing. let's 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 end this uh, end this podcast with that what were you what were you thinking about that मुझे लगता है लोगों हम वही है ना हमने लोगों को हक छीना सिखा दिया है अब बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की भी अगर बीच में जब पकड़े गए थे जब इनकाउंटर्स वगैरह हुए थे तो पता चला था कि बड़ी अच्छी फैमिली का बेटा था जो चोरी कर रहा था राइट right. सो so, इस तरह के बड़े केसेस भी आते हैं अब कराची में सिंस आई एम डूइंग चैरिटी ऑल्सो माई सेल्फ अलहमदिल्ला हम टैक्स दें ना दें हम डोनेशन बहुत देते हैं uh -huh. हम टॉप पर आते हैं हां uh डोनेशन -huh. में कराची डोनेशन yeah, में हाँ टॉप yeah, yeah. पर आता है yes. कराची और कराची पूरे पाकिस्तान में देता है यस यू नो कराची yes. से पूरे पाकिस्तान में जाता है इंटीरियर सिंध में आप चले जाएं कहीं पे भी कराची इज द वन ऑफ द कंट्रीज दैट इज फिलैंथ्रो द फिलैंथ्रोपिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया का सो कराची so, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स दैट इट्स दैट कि हमारे Uh, जैसे हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अगर मैं सामने खड़ी मैं आप एग्जाम्पल अपने देती हूँ एक लाइन है uh -huh. बनी हुई है और दस लोग खड़े हुए हैं uh -huh. और मुझे मौका मिलेगा कि मैं इसे बहाने से इस लाइन से चली जाऊँ चोरी से मैं चली जाऊंगी नॉट द गवर्नमेंट करप्टे बट इट्सो Right. हम भी करप्ट right, right, right. so, no, तो हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई हो गई है, खाने को नहीं मिल रहा, या है अगर वो एक गाड़ी चोरी कर रहा है तो मेरे ख्याल तो huh. ही होगा ना चोरी करेगा पच्चीस huh. लाख की गाड़ी चोरी कर रहा है चलो उसको बीस में भी दे रहा है चलो पंद्रह लाख में भी दे रहा है huh. तो वो छह महीने तो बैठ के खा सकता है लेकिन वो दूसरे दिन बाद दूसरी गाड़ी चोरी करेगा तो यू नो तो ये कुछ हमारा मुझे लगता है हमारा अपना शौक भी है हमें हक छीनने का और हमारे पास एक लॉ ऑर्डर कोई है ही नहीं बना हुआ mm -hmm. you know, कोई, किसी ने कुछ गलत किया तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या सजा देनी चाहिए सिग्नल अगर क्योंकि मैं जो ग्रुप चलाती हूँ उसमें right, yeah, 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 yeah. उस मैं, मैं, मैं देख रही होती हूँ मुझे पता है मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ मेरे सामने चार बाइक वाले निकल के चले जायेंगे ठीक है yeah. हम चले जाएंगे गाड़िया भी निकल जाएंगी सो देन इट्स अस ना जब हमें पता है है कि हमें है, हमें सजा मिलनी चाहिए पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए लेकिन हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है Civil हम कचरा फेंकते हैं yeah. Yeah. हम कहते हैं सीबीसी ने कचरा नहीं उठाया uh -huh. फेंक तो हम रहे जब डस्टबिन पड़ी हुई हैं तो सीबीसी बी you... की बड़ी सी डस्टबिन yeah, होती yeah, yeah, है और साथ में हम उसके नीचे कचरा फेंकते हैं

क्योंकि हमारे साथ कुछ हो, अगर हो गया मेरे साथ अगर मुझे किसी ने रोका मेरा दादा मेरा चाचा मेरा मामू मेरा दोस्त किसी ना किसी का कोई ना कोई, कोई पुलिस में होगा मैं बच जाऊँगी श्योर यू नो श्योर श्योर तो कुछ ना कुछ हो इतना इजीली सबके कॉन्टेक्ट हो चुके हैं इतना ईजी सब कुछ हो चुका है hmm. कि हमें डर ही खत्म हो चुका है किसी भी चीज़ का हमें खुद ही नहीं पता हमें जब आपको स्कूल में जब हम डेढ़ साल के बच्चे को आजकल डाल देते हैं हम क्यों डालते हैं स्कूल में

It, it, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो फील लाइक अ लूजिंग बैटल किसी भी पार्क में चले जाओ अभी कोरोना के वक्त में जब सब कुछ बंद है तो जहर पार्क ही खुले हुए होंगे ना एंड यू हैव टू गो गेट गेट एक्सरसाइज वॉक्स आप अभी भी किसी भी पार्क में चले जाओ यू फाइंड अ पैच ऑफ ग्रास जिसमें गंद ना हो तो वो हम है ना वो हम है वो तो हम खुद हैं प्रॉब्लम हमसे ही है इमरान खान ही सेड दैट मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं लॉकडाउन करने को तैयार हूँ एम नॉट टेकिंग हिज साइड बट द पॉइंट जो उसने रेज किया था दैट वाज कि मैं करने को तैयार हूँ मेरी आवाम भूखी मरेगी वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं एम नॉट गेटिंग टू डी या मैं सिर्फ उस लाइन स्टेटमेंट right, right. पे आ रही हूँ तो आप लोग मास्क पहनना शुरू कर दें यू नो जब मैंने लॉकडाउन किया तो इतने हालात ख़राब हो गए लो, लोगों ने जो है जॉब्स चली गई सब कुछ हो गया yeah. ये हो गया yeah, yeah, yeah. तो आप लोग मास्क पहने क्या हम पहनते हैं

खुद हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हम करप्ट नहीं है। मैं कहती हूँ जब मुझे पता चलेगा मैं दो नंबरी के तरीके से काम करा सकती हूँ right. right. छह दिन लगेंगे सात दिन लगेंगे कौन खुआ करेगा कौन बैठेगा देखो आगे से, आगे से एक आर्ग्यूमेंट आती है कि, सिस्टम स्मूथली नहीं चलता है तो वो काम नहीं होता है

पेशेंस भी नहीं है और कॉन्सिक्वेंस भी एक हद तक नहीं है ना कि अगर पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया तो क्या करेगा मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ आई सपोज दिस विल हाई लाइट द डिफरेंस वेन आई वॉज इन कैनेडा आई वुड स्टडी एट एट माई यूनिवर्सिटी एंड समटाइम्स आई जस्ट हैंग आउट माई फ्रेंड्स एट माई यूनिवर्सिटी और मैं जब वापस आ रहा होता था कभी कभी रात के दो तीन बज जाते थे uh, रात के दो तीन बजे बिल्कुल सुनसान जिस टाउन में हम रहते थे वो बिल्कुल बंद बिल्कुल बंद हो जाता था कुछ भी नहीं खुला होता था

लेकिन हम भी अगर चालान हो भी रहा है तो हम 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 से ट्रैफिक वालों को इज्जत देते हैं राइट right. उनको कैसी कैसी बातें नहीं सुनाते यू right. नो you know, कितने दफा मैंने देखा है लोगों का करते हुए इस तरह से या किसी से फोन करवा लेंगे mm -hmm. वो बेचारा अपनी नौकरी के बचाने के चक्कर में छोड़ देगा चार सौ पांच सौ रूपए का चलान Sorry. तो right.

मेरी नज़र में कुछ चीजें बहुत गलत हैं जो मैं इसलिए उसको फॉलो नहीं करती उसको एक्सेप्ट नहीं करती right, और हा? मैं अपनी सराउंडिंग्स में करवाना भी नहीं चाहूँगी सो यस दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से और बाकी जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन थी आई होप हम जो जिस तरह के सेशंस दे रहे हैं या जो भी हम चेंज लाना चाहते हैं पाकिस्तान में हम ले आए यूथ yeah. में चेंज ले आए यूथ हमारा फ्यूचर है Inshallah. बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बुरा लगता है मुझे देख के जो यूथ कर रही होती है जिस तरीके से बट uh, आप लोग ही फ्यूचर हैं हम आप लोगों पे ऑब्वियसली डिपेंडेंट तो नहीं कह सकते लेकिन येस yes, आप क्या आप बच्चे हैं आगे हाँ. हमारे बच्चे आने वो हमारा फ्यूचर है सो हाँ. so, चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मुश्किल से मिलती हैं लेकिन फिर मिलते बड़ी अच्छी तरीके से हैं सो यू नो जस्ट बी पॉज़िटिव राइट ट्रैक पे चलेंगे

Kinja Koso. YouTube? Uh Kinger Koso. All Kinja Koso. Yeah. Kinja, this has been wonderful. Uh, thank you so th much. Thank you. Thank you for coming by and I hope uh, everything goes well. You're no. doing beautiful work, right? Thank you. Allah Allah karega, inshallah. Kinja Kazi Akbar. Assalamualaikum. alaikum.